नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ 13। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। रुड़की के चुड़ियाला रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे फाटक की पटरी पर एक शराबी युवक लेट गया। दरअसल यहां एक शराबी युवक पटरी पर मजाक करते हुए लेट गया और जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई तो युवक वहां से रफूचक्कर हो गया। ये चुड़ियाला स्टेशन है और ये 524 फाटक भी है और यहाँ दारू पिया हुआ लेटा हुआ था और शासन चल रहा है, इसलिए गाड़ी थोड़ी मंदी चल रही, इसलिए ड्राइवर ने रोक ली, देख लिया उसे और रोक ली, उसकी जान बच गई। रुड़की में उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने समाज के लोगों के साथ मिलकर बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक में कई नए लोगों को महत्वपूर्ण पद सौंपे गए। इस मौके पर गढ़वाल मंडल के तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी होने के बाद भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केदारनाथ के आसपास का मौसम भी सुहाना हो गया है, जिसके चलते भारी संख्या में सैलानियों ने बर्फीले मौसम के साथ सेल्फी ली है। सितारगंज पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में क्षेत्राधिकारी सितारगंज हिमांशु शाह के नेतृत्व में सितारगंज पुलिस ने एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीओ हिमांशु शाह ने खुलासा करते हुए बताया कि इलाके में बीते 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कई लोन दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बंदा रोड जो है यहाँ पर सितारगंज में, वहाँ पीपल के पेड़ के पास एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वो स्मैक पीने का आज ही बताता है, लेकिन वो स्मैक बेचता नहीं है और उसके पास 12.12 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसका 8/22 NDPS एक्ट में चालान किया गया है और उसे आज रिमांड के लिए भेजा गया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने आज लोन दिलवाने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले गैंग का खुलासा किया है। आपको बता दें कि सीओ हिमांशु शाह ने खुलासा करते हुए बताया कि इलाके में बीते 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कई लोन दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।